साथियों, ऐसा क्यों कहा जाता है कि ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर एक चादर में हम एक बड़ी बॉल और एक छोटी बॉल को रखें, तो बड़ी बॉल छोटी बॉल के मुकाबले चादर को ज्यादा दबाएगी और चादर में ज्यादा गहरा कर्व बनेगा। हालांकि छोटी बॉल भी चादर को दबाएगी, लेकिन बड़ी बॉल के मुकाबले काफी कम। ऐसे ही ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज अपने आकार के अनुरूप स्पेस टाइम में कर्व बनाती है, यानी कि जितना बड़ा उसका आकार होगा वो उतना ही गहरा स्पेस टाइम में कर्व बनाएगी। अब क्योंकि बड़ी बॉल स्पेस टाइम में ज्यादा गहरा कर्व बनाती है, तो झुकाव की वजह से छोटी बॉल उसकी ओर खींचने लगेगी और इस झुकाव को ही हम ग्रेविटी कहते हैं। बस इसी कारण से पृथ्वी तथा अन्य ग्रह हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सूर्य का आकार सबसे बड़ा होने की वजह से वो सौर मंडल में बाकी ग्रह के मुकाबले सबसे गहरा कर्व बनाता है। तो मान लो अगर आप स्पेस टाइम में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की दूरी सीधा चलते समय 2 घंटे में पूरी करते हैं, तो आप इस कर्व के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की दूरी उतना ही समय में पूरा कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। कर्व दूरी को तय करने में आपको ज्यादा समय लगेगा। बस यही होता है ब्लैक होल के पास। ब्लैक होल की इन्फिनिटी ग्रेविटी स्पेस टाइम में इतना ज्यादा गहरा कर्व बना देती है कि लाइट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की दूरी तय करने में सीधा के मुकाबले ज्यादा समय लगता है।